अब हम देखेंगे कि किसी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है। कुछ उदाहरण लेते हैं। विषम भिन्न है 20/3, इसे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए ये विषम भिन्न है, चूँकि इसका अंश हर से बड़ा है इसलिए विषम भिन्न कहलाएगी। इसे जब हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं देखें। जो हर है इसको अंश के लिए भाग करेंगे, इससे यानी अंश 20 है तो अंश को हर से भाग करते हैं। देखें कितने बार जाएंगे, 3 × 6 = 18, तो यहाँ बचा कितना, शेष बचा 2। 20 से 18 गए, 2 बचा। तो इस टाइप से जितना बार जाता है हमारा ये सही बन जाता है, और जो शेषफल बचता है वो उसका अंश बन जाएगा, जिससे भाग किया था वो यहाँ पे हर बन जाएगा। यानी जो हमारी 20/3 की जो विषम भिन्न है इसकी मिश्र भिन्न बन के आ जाएगी 6 × 2/3। मान लीजिए 11/5, ये एक हमारी विषम भिन्न है। 11/5 विषम भिन्न इसलिए है क्योंकि इसका अंश बड़ा है हर से। इसे हम मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, 11 को 5 से भाग करेंगे, 5 × 2 = 10, बचा 1, शेषफल बचा 1। तो जितना बार गया वो सही बन जाता है, जो शेषफल बचा उसको अंश बना देते हैं, जिससे भाग किया वो हर बन गया, यानी हर जो पहले से था वही रहेगा। तो इस तरीके से 11/5 जो हमारी विषम भिन्न थी इसकी मिश्र भिन्न बन गई 2 सही 1/5। अब मान लीजिए अगली हमारी जो भिन्न है 17/7, एक विषम भिन्न है चूँकि इसका अंश हर से बड़ा है, इसे हम मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। जो अंश है 17, उसके लिए हर जो 7 है इससे भाग करेंगे तो 7 × 2 = 14, बचा 3। तो इसकी भिन्न बनेगी जो बार गया वो सही बन गया, यानी 2 सही 3/7, जो शेषफल बचा उसका अंश बन गया, जिससे भाग किया वो हर बन गया। एक और लेते हैं 28/5, एक विषम भिन्न है, इसे हमने मिश्र भिन्न में बदलना है तो 28 को 5 से भाग करेंगे, देखें किस तरीके से। तो 5 × 25, यहाँ पे शेषफल बचा 3, यानी जो बार गए वो 5 सही बन गया, जो शेषफल बचा वो अंश बन गया, जिससे भाग किया वो हर बन गया। तो हमारी भिन्न निकल के आ गई 5 सही 3/5, ये मिश्र भिन्न हो गई। तो इस टाइप से किसी भी विषम भिन्न को यानी ऐसी भिन्न को जिसका अंश हर से बड़ा है उसे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब देखें इसका उल्टा, उल्टा से मतलब है हम किसी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न मान लीजिए हमारे पास है 7 सही 3/4, एक मिश्र भिन्न है इसे हम विषम भिन्न में बदलना चाहते हैं, या कहें कि इसका जो सही बटे है इसे दूर करना चाहते हैं। आगे जब हम सवाल करेंगे जोड़ घटाओ के, गुणा के, भाग के, उनमें हमें सही बटे दूर करना होंगे, इसलिए हमें इन्हें दूर करना आना चाहिए, इन्हीं मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो कैसे बदलते हैं देखें। जो हमारा हर है और जो सही है इसकी हम आपस में गुणा करते हैं और जो अंश है उसे जोड़ देते हैं, यानी इस टाइप से जो इसका देखें हर यानी इसका हो जाएगा 4 × 7 + 3/4, यानी जो हर और जो सही बटे इसकी आपस में गुणा करेंगे प्लस जो अंश है वो उसमें जोड़ देंगे। तो देखें क्या आ जाएगी, 7 × 4 = 28 और प्लस 3 अंश जुड़ा उसमें 4/8, तो 28 × 3 हो गया 31/4। इन्हीं की जो हमारी आ गई विषम भिन्न 7 से 3/4 की 31/4
चार। अब मान लीजिए एक मिश्र भिन्न है, दूसरी पांच सही छः बटे सात है, इसे हम विषम भिन्न में बदलना चाहते हैं, यानी इसके सही बटे दूर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? पहले हर और सही की आपस में गुणा करेंगे, यानी पाँच सत्य आ गए पैंतीस, प्लस इसमें अंश जोड़ देंगे छः, यानी पैंतीस छः हो गया इकतालीस, तो यही इसका अंश हो गया इकतालीस, और हर वही रहेगा जो पहले है इकतालीस बटे सात। इस टाइप से इसका सही बटा दूर कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। मान लीजिए एक मिश्र भिन्न है, दो सही पाँच बटा दो सही पाँच बटा छः, इसे हमें विषम भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? दो छक बारह, बारह यानी इन दोनों की गुणा करेंगे, अंश उसमें जोड़ देंगे, दो छक बारह और पाँच सत्रह, तो ऊपर आ जाएगा, अंश बन गया नया अंश सत्रह, और हर जी रहेगा सत्रह बटे छः आ गई। तो इस तरीके से हम किसी भी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में या मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।